नमस्कार दोस्तों, सोनी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, बच्चों में सर्दी, जुखाम, खांसी, नाक का बहना, छींके आना, नाक जाम हो जाना, ये एक आम समस्या है। सर्दी खांसी की समस्या से निजात पाने के लिए अक्सर हम कफ सिरप्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन कफ सिरप्स का प्रयोग हम वयस्क लोग करते हैं, उनका प्रयोग छोटे बच्चों में नहीं किया जाता है। बेबीज के लिए अलग से कफ ड्रॉप्स मार्केट में आते हैं, जिनको ओरल पेडियाट्रिक कफ ड्रॉप्स कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ ओरल कफ ड्रॉप्स की जानकारी देंगे, जो बेबीज और इन्फेंट्स के लिए बेस्ट होते हैं और जिनका प्रयोग सर्दी, जुकाम, नाक बहना, छींके आना, खांसी आना, नाक का जाम हो जाना इत्यादि में किया जाता है। दोस्तों, बदलते मौसम के साथ अक्सर बच्चों में एलर्जीज और इन्फेक्शन की वजह से सर्दी जुखाम हो जाता है, जिसकी वजह से पेरेंट्स को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम यहाँ पर आपको बेस्ट 3 पेडियाट्रिक ओरल कफ ड्रॉप्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका प्रयोग 1 मंथ के बच्चे से लेकर 2 साल तक के बच्चों में किया जाता है और जो हाईली इफेक्टिव होते हैं। सबसे पहला है मैक्स्ट्रा ओरल ड्रॉप्स। मैक्स्ट्रा ओरल ड्रॉप्स जुवेंटिस हेल्थ केयर लिमिटेड बनाती है, जिसके 15 ml की एक बॉटल की कीमत 67 रुपये है। इसके प्रत्येक 1 ml ड्रॉप में क्लोरफेंडामाइन मेलिएट 2 mg होता है, जबकि फेनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg होता है। क्लोरफेंडामाइन मेलिएट और फेनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड दोनों एंटी हिस्टामिनिक और एंटी एलर्जिक दवाएं हैं, जो कि बॉडी में एलर्जी की वजह से होने वाले हिस्टामिन्स के रिलीज को रोकते हैं और नाक के आसपास ब्लड का फ्लो बढ़ाकर नाजल कंजेशन और स्टिफनेस में काफ़ी आराम पहुँचाते हैं। इसकी वजह से सर्दी में नाक जाम होने, नाक के आसपास जकड़न होने, नाक से छींक आने, पानी बहने इत्यादि समस्याओं में काफ़ी आराम मिलता है। दूसरा है सिनारिस्ट एप पेडियाट्रिक ड्रॉप्स। सिनारिस्ट एप पेडियाट्रिक ड्रॉप्स सेंट्यूर फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाती है, जिसके 15 ml के एक बॉटल की कीमत 77 रुपये है। इसके 1 ml ड्रॉप्स में क्लोरफेंडामाइन मेलिएट 1 mg होता है, जबकि फेनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड 2.5 mg होते हैं। तीसरा है विकोरिल एप ड्रॉप्स। विकोरिल एलेम्बिक फार्मा लिमिटेड का प्रोडक्ट है, जिसके 15 ml की एक बॉटल की कीमत 73 रुपये है। इसके प्रत्येक 1 ml में क्लोरफेंडामाइन मेलिएट 2 mg होता है और फेनाइलेफ्रिन 5 mg होते हैं। यह डिलीशियस फ्लेवर्स में आते हैं, जिसे बच्चे आसानी से पी जाते हैं और यह 30 मिनट के अंदर ही अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर देते हैं। ये तीनों कफ ड्रॉप्स एल्कोहल फ्री होते हैं और नॉन ड्राउजी फार्मूला वाले होते हैं, जो कि डिलीशियस फ्लेवर्स में आते हैं, ताकि बच्चों को पीने में इन्हें कोई दिक्कत ना हो। इन कफ ड्रॉप्स का क्या कॉमन साइड इफेक्ट्स है? दोस्तों, इन कफ ड्रॉप्स के प्रयोग के दौरान अक्सर छोटे बच्चों में रेस्टलेसनेस हो सकती है, स्लिपनेस हो सकती है, ज़्यादा बच्चे सो सकते हैं, इरिटेशन उनको हो सकता है, रो सकते हैं वो, ड्राउजीनेस हो सकता है, नाउजिया हो सकता है, सिर दर्द उनका कर सकता है या वोमिटिंग हो सकती है। ऐसी सिचुएशन जब हो तो इन कफ ड्रॉप्स का प्रयोग तुरंत बंद कर देना चाहिए और तुरंत ही डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए। इन कफ ड्रॉप्स का क्या कॉमन डोज है? इन कफ ड्रॉप्स को 1 मंथ से 1 साल के बच्चों में 0.5 से 1 ml तक दिया जाता है, यानी कि करीब 4 से 5 ड्रॉप्स तक दिया जाता है, जबकि 1 साल से 2 साल तक के बच्चों में यह 3 से 6 या 3 से 8 ड्रॉप्स तक, यानी 1 से 2 ml तक प्रयोग किया जाता है, दिन में 3 बार 8 घंटे का अंतराल रखते हुए। इन कफ ड्रॉप्स का प्रयोग हमेशा चिकित्सक की देखरेख में ही करना चाहिए, चिकित्सक की सलाह से ही करना चाहिए, उसके परामर्श पर ही ये दवाएं यूज करनी चाहिए। ये वीडियो केवल जानकारी मात्र ही है। तो दोस्तों, ये थी बच्चों में प्रयोग की जाने वाली बेस्ट कफ ड्रॉप्स की जानकारी। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से ज़रूर लाभ मिला होगा, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड यूजफुल वीडियोज़ के लिए।